नीट पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड अमित आनंद ने कबूल किया है कि परीक्षा से एक दिन पहले पेपर लीक हुआ था। साथ ही साथ ये भी बताया है कि आखिर उसने कितने पैसे लिए थे। परीक्षा माफिया अमित के कबूलनामे की कॉपी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है, जिसमें उसने बताया है कि किस तरह से छात्रों को एग्जाम से एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर के आंसर रटवाए गए थे, इसके बदले छात्रों से लाखों रुपए वसूले गए थे। नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। परीक्षा को रद्द कर दोबारा से एग्जाम करवाने की भी मांग की जा रही है। अमित आनंद ने कबूलनामे में कहा है कि नीट परीक्षा से एक दिन पहले पेपर लीक हो गया था, एग्जाम से एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर और आंसर अभ्यर्थियों को दिया गया था, उन्हें रात भर आंसर रटवाया गया था, क्वेश्चन पेपर के बदले स्टूडेंट से 30 से 32 लाख रुपए लिए गए थे। पेपर लीक के मास्टरमाइंड ने अपने कबूलनामे में कहा है कि मेरे फ्लैट से पुलिस को नीट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट के जले हुए टुकड़े मिले हैं। उसने भी कबूल किया है कि वो पहले भी पेपर लीक कराता रहा है। बिहार की राजधानी पटना के शास्त्री नगर पुलिस थाने में अमित आनंद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यहाँ पर पुलिस ने उससे पूछताछ की है, जहाँ उसने पेपर लीक की बात कबूल किया है। कबूलनामे की कॉपी के मुताबिक पेपर लीक का मास्टरमाइंड अमित मुंगेर जिले का रहने वाला है। हालांकि वो मौजूदा वक्त में पटना के एजी कॉलोनी के एक किराए के फ्लैट में रह रहा था। इस कबूलनामे में उसने बताया कि किस तरह से उसकी मुलाकात उन स्टूडेंट से हुई जिन्हें आंसर रटवाए गए थे। कबूलनामे में अमित ने कहा है कि मैं किसी बिना दबाव या डर के अपना बयान दे रहा हूं। मेरी दोस्ती सिकंदर से हुई थी, जो दानापुर नगर निगम कार्यालय में जूनियर इंजीनियर है। मैं अपने एक प्राइवेट काम से उससे मिलने गया था। मेरे साथ नीतीश कुमार भी था। बातचीत के सिलसिले में मैंने सिकंदर से कहा था कि मैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक कराकर स्टूडेंट्स को पास कराता हूँ। सिकंदर ने इस पर मुझसे कहा कि मेरे पास 4 से 5 स्टूडेंट हैं जो नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पास करवा दीजिए। अमित ने आगे बताया, बच्चों को पास करने के बदले मैंने बताया कि 30 से 32 लाख रुपये लगेंगे। इस पर सिकंदर तैयार हो गया और कहा कि वो स्टूडेंट्स ही हमें देगा। इस बीच नीट परीक्षा की तारीख आ गई। सिकंदर ने पूछा लड़कों को कब लाना है। मैंने कहा कि 5 मई को परीक्षा है, 4 मई की रात को स्टूडेंट्स को लेकर आना। 4 मई की रात में नीट परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक करवाकर सभी स्टूडेंट्स को उत्तर के साथ पढ़वाया और रटवाया जा रहा है। पुलिस को दिए कबूलनामे में मास्टरमाइंड अमित आनंद ने बताया कि सिकंदर को पुलिस ने पकड़ लिया और फिर उसकी निशानदेही पर हम लोग भी पकड़े गए। हमारे किराए वाले फ्लैट से पुलिस को नीट समेत अलग अलग एग्जाम का एडमिट कार्ड, नीट का क्वेश्चन पेपर और आंसर का जला हुआ टुकड़ा बरामद हुआ है। पुलिस ने इसे जब्त कर लिया। मैंने पहले भी पेपर लीक करवाए हैं, मैं अपने अपराध को कबूल करता हूं, ये मेरा बयान है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।